हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। इस वीडियो में हम राजा राम मोहन राय जी के बारे में डिस्कस करेंगे। फोर्थ चैप्टर है हमारा क्राउन पब्लिकेशन का, जिसको हम डिस्कस करवा रहे हैं। अगर आप इसको कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो और आपका दोस्त ज्वाइन करना चाहते तो उसको इस नंबर पे मैसेज करने को बोलिएगा ज़रूर, ठीक है। इसमें ऑलरेडी बहुत कुछ हो चुका है। जैसे मैं बता दूं, केमिस्ट्री एंड हो चुका है, बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री, ये तीनों हम अभी कर रहे हैं। एंशियंट मेडाइवल एंड हो चुका है, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड हो चुका है, उसमें थोड़ा बस बचा हुआ है कुछ फैक्ट। उसके बाद बात करें तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी हमें थोड़ा बहुत करना है, और ठीक है, इकोनॉमी का एक मेजर पोर्शन एंड हो चुका है, तो इसको हम जल्दी से कवर करने का कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सोशल एंड कल्चरल अवेकनिंग, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राजा राम मोहन राय जी के बारे में। देखो, सबसे पहले इस चैप्टर में तो बहुत सारे समाज के बारे में डिस्कस करना है, जैसे ब्राह्मो समाज, उसके बाद प्रार्थना, आर्य, बेदा, और उसके वाला अलग अलग मूवमेंट, ठीक है। तो बहुत सारा, मतलब इसके अलावे आपको किसी मूवमेंट में क्वेश्चन आएगा ही नहीं, मतलब इसके अलावा कोई भी मूवमेंट पे क्वेश्चन आएगा नहीं। इसमें पूरा डिटेल में दिया है हर एक चीज, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ब्राह्मो समाज के बारे में। ब्राह्मो समाज की बात करें तो सबसे पहले हमें डिस्कस करना है राजा राम मोहन राय जी के बारे में। इनका जन्म हुआ था 1772 में और इनका डेथ हो गया था 1833 में। बात करें इनके बारे में तो इनका जन्म हुआ था 22 मई 1772 में, ठीक है ना। कहाँ पे? बंगाल का एक जगह है, वर्धमान डिस्ट्रिक्ट, बंगाल में, वर्धमान डिस्ट्रिक्ट है बंगाल में, वहाँ पे, ठीक है। एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है राधा नगर, याद नहीं रखना है इतना छोटा। राजा राम मोहन राय जी को बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस, कि इंडिया में जो एक नया बर्न हुआ, नया जन्म हुआ, कि हमने हमारी सोच बदली, हमने सती सिस्टम को खराब कहना शुरू किया, विडो विडो रीमैरिज को हमने प्रमोट करना शुरू किया, गर्ल एजुकेशन को प्रमोट करना शुरू किया, यानी जो एविल्स थी, जो समाज में बुराइयां थी, उन बुराइयों को दूर करने में सबसे पहला नाम आता है वो राजा राम मोहन राय जी का आता है। तो इसलिए इनको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस, मतलब इंडिया के जो पुनर्जन्म हुआ, पुनर्जन्म, उनमें इसका इनका इम्पॉर्टेंट रोल है, और इवन सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है, तभी इनको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस, ठीक है। बहुत सारे लैंग्वेज के ज्ञाता थे वो इनकी किताबों से झलकेगी कि इनको कितना सारा लैंग्वेज आता था। जैसे पर्शियन लैंग्वेज इनको आता था, पर्शियन, पर्शियन उस समय जो मुगल लोगों था ना, उसका फेमस लैंग्वेज था पर्शियन। पर्शिया उस समय ईरान को पर्शिया बोलते थे, ठीक है ना, पर्शियन लैंग्वेज। उसके बाद इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज आता था बहुत, ग्रीक लैंग्वेज आता था इनको, फ्रेंच आता था, जर्मन आता था, संस्कृत आता था, संस्कृत के बाद आता था लैटिन, लैटिन के बाद आता हिब्रू, ठीक है ना, ये सारे लैंग्वेज आते थे। अब देखो, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, सबसे पहला इनका कदम था कि हम मानते हैं एक भगवान को, यानी मोनोथिज्म को मानते हैं, एक भगवान इन द सेंस एक आइडियो को मानते हैं। जो पॉलीथिज्म होती थी ना, पॉलीथिज्म, इसको ये नहीं मानते थे। इवन आइडल वर्शिप होता है, आइडल वर्शिप, कि मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे, समझ में आया। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, किसको नेग्लेक्ट करना शुरू किया, पॉलीथिज्म को और आइडल वर्कशिप को, ये दोनों को इन्होंने करना शुरू किया, मतलब हटाना शुरू किया। ये बात, एक्चुअली ये बात इनकी एक पर्शियन ट्रीटीज आई थी 1803 ईस्वी में, उसमें साफ साफ लिखा हुआ था। उस ट्रीटीज का क्या नाम था, तुहफत अल मुवाहिदीन, तुहफत उल मुदवा मुवाहिदीन, तुहफत उल मुवाहिदीन। मैं एक चीज आपको बताता हूँ, इस तरीके से थोड़ा सा टाइम लग जाता है कि मुझे लिख के बताना होता है,
लेकिन मुझे लगता है ये बेस्ट है, ये अगर आप साथ में नोट्स भी बना रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा फायदा करेगा ये। अगर ये सब कुछ लिखा रहता, मैं बताते जाता, पहले ही बता, सब कुछ पहले से लिखा हुआ, तो मुझे सही नहीं लगता है वो उतना ज़्यादा। देखो अट्रैक्टिव वो लगता है, ध्यान देना, अट्रैक्टिव वो लगता है लेकिन वो उतना फ़ायदा नहीं करता, क्योंकि हमें याद करके एग्जाम में लिखना है तो ये फ़ायदा नहीं करा, ठीक है ना। तो पब्लिकली ये पॉलिथिज्म और आइडियल वर्कशिप को मानने से मना कर दिया, और ये सबको बनाने भी लगे, मोनोथीस्ट थे ये, ठीक है ना, कि भाई एक आइडिया को मानते हैं, अलग अलग आइडिया को नहीं मानते हैं। उसके बाद इन्होंने क्या किया, अब इसको स्प्रेड भी करना था अपने आइडिया को, तो आइडिया को स्प्रेड करने के लिए दो सभा बनाए, एक थे आत्मिया सभा, सभा ये बनाया 1815 में, और एक और बनाया वेदांता सोसाइटी, वेदांता सोसाइटी बनाया, ये बनाया इन 1816, ठीक है, क्लियर। तो यानी इनको ऐसे धर्म ज्यादा पसंद होंगे जो ज्यादातर अलग अलग पार्टों में नहीं बांटता है, एक पार्ट में रहता है, ठीक है ना, कि एक ही ऊपर में है, ऊपर में एक ही आइडिया है, एक ही पावर है, ठीक है। तो एक एक इनकी किताब है जिसका नाम है प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, द गाइड और गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, ठीक है, परसेप्ट्स ऑफ जीसस द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस, याद रखना है इस किताब का नाम है। किन्होंने लिखा, राजा राम मोहन राय ने। इसमें ये क्या करना चाहते, ये पब्लिश कब किया इन्होंने, 1820 में पब्लिश किया। इसमें क्या बात लिख रहे थे, इसमें बहुत सारा इन्होंने चीजें लिखा, और क्रिश्चियन की मोरालिटी, क्रिश्चियन की सिंप्लिसिटी, क्रिश्चियन रिलीजन की सिंप्लिसिटी मोरालिटी के बारे में बात कहा, कि उससे पीस आएगी, हैप्पीनेस आएगी, अगर आप बार बार अलग अलग भगवान ऐसे ऐसे करोगे, अलग अलग आइडिया को पूरा पूजा करोगे तो इसे सोशल फैब्रिक बिगड़ेगा, ये बात बार बार बोल रहे थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने डेविड हेरे, अब क्या हुआ, इनको एक कॉलेज का एस्टाब्लिश करना था तो डेविड हेरे के साथ गए, डेविड हेरे के साथ इन्होंने एक कॉलेज की स्थापना की जिसका नाम इन्होंने रखा हिंदू कॉलेज इन कलकत्ता, हिंदू कॉलेज इन कैलकटा। तो अभी तक हमने क्या क्या बोला, अभी तक हमने देखा कि एक आत्मिया सभा बनाया, वेदांता सभा बनाया, उसके बाद एक किताब लिखी जिसका नाम है प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस, 1820 में पब्लिश किया, डेविड हेरे के साथ मिलके इन्होंने हिंदू कॉलेज बनाया कलकत्ता में, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। उसके अलावे और भी चीजों की इन्होंने क्या की, एडिट करना, एडिटर थे, एक का नाम था संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी, ये था बंगाली में क्योंकि इनको बहुत सारे लैंग्वेज आते थे, प्लस एक और था जिसका नाम था मीरात उल अकबर, ये था पर्शियन में, ठीक है। तो इनके नाम से अभी तक क्या क्या याद रखा, आत्मीय सभा, वेदांता सोसाइटी, प्रेसेप्ट्स ऑफ जीसस द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस, डेविड हैरे के साथ मिलके हिंदू कॉलेज कैलकटा में बनाया, संवाद कौमुदी को एडिट करते थे बंगाली लैंग्वेज में, मीरात उल अकबर अकबर को लिखते थे पर्शिया में। उसके बाद क्या हुआ, एक सबसे इम्पॉर्टेंट सभा ये बनाते हैं, ब्राह्मो सभा, ब्राह्मो सभा, ब्राह्मो सभा बनाते 1828 में, बाद में इसका नाम हो जाता है क्योंकि एक्सपेंड हो जाता है ना, ब्राह्मो समाज, ठीक है, ब्राह्मो समाज। अब क्या होता है, ये जाते हैं, आपको पता है राजा राम मोहन राय में जो राजा वार्ड है, राजा वार्ड ये किसने दिया था, अकबर टू ने दिया था, अकबर टू, अकबर टू एक राजा थे किसके, मुगल के। देखो अकबर टू उस समय पेंशन पे जी रहे थे, पेंशन पे जी रहे थे, तो इन्होंने अकबर टू ने राजा राम मोहन राय को ब्रिटेन भेजा, ब्रिटेन को भेजा कि तुम जाओ, राजा राम मोहन राय को बोला कि आप जाओ मेरा इन्वॉय बन के, मेरा एम्बेसडर बन के,
और राजा राजा उस समय थे किंग विलियम फोर। किंग विलियम फोर को बोलना कि मेरा पेंशन बढ़ा दे। सिंपल समझ रहे हो? राजा राम मोहन राय को राजा टाइटल दिया, राजा नाम लिख दिया और बोला कि जाओ आप मेरा इन्वॉय बन के ब्रिटेन, और वहाँ पे किंग विलियम फोर से मिलो और फिर बोलो कि मेरा पेंशन को बढ़ाया जाए, ठीक है ना। और वहाँ पे एक्चुअली क्योंकि वो जो पेंशन ग्रांट किया जाता है वो बहुत इनएडिक्वेट रहता था, तो राजा राम मोहन राय वहीं पे 3 साल व्यतीत किया और 1833 में उनकी डेथ हो गई ब्रिस्टल में। ब्रिस्टल कहाँ पे? इंग्लैंड में। अब इनके जाने के बाद जो इनका ब्राह्मो समाज है उनका क्या दशा हुआ, मतलब कैसे कैसे वो काम किया वो देख लेते हैं। देखो जो ब्राह्मो समाज की एक्टिविटी थी, ब्राह्मो समाज की एक्टिविटी वो संभालता कौन था? वो संभालता था देवेंद्र देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर क्या किया, एक और सभा बनाया जिसका नाम था तत्वा बोधिनी सभा, तत्वा बोधिनी सभा। और इन्होंने इसी नाम पे एक पत्रिका भी लॉन्च कर दिया गया, पत्रिका भी लॉन्च किया। अब हुआ क्या, ब्राह्मो समाज का एक, देखो देवेंद्र नाथ टैगोर ने क्या किया, केशव चंद्र सेन को इस ब्राह्मो समाज का प्रधानाचार्य बना दिया, प्रिंसिपल बना दिया। ब्राह्मो समाज का प्रिंसिपल बना दिया किसको? केशव चंद्र सेन ने। तो केशव चंद्र सेन जो था अपनी आइडियोलॉजी इसमें फेंकने लगा, केशव चंद्र सेन ब्राह्मो समाज की जो आइडिया था ना उसमें थोड़ा फेर बदल करने लगा। ये बात पसंद नहीं आई देवेंद्र नाथ टैगोर को, देवेंद्र नाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को निकाल दिया। तो अब केशव चंद्र सेन बाहर गए तो उन्होंने एक अपना बना लिया एक सभा जिसका नाम उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने रखा उसका नाम ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया, ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया। अब देखो अब देवेंद्र नाथ टैगोर के पास ऑप्शन था कि वो क्या नाम रखे, देवेंद्र नाथ टैगोर उनके पास ऑप्शन था कि उन्होंने अपना अपने ग्रुप का नाम रख ले आदि ब्राह्मो समाज, क्योंकि पुराना ब्राह्मो समाज यही है ना, ठीक है ना, आदि ब्राह्मो समाज। बाद में क्या हुआ, जो ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया है केशव चंद्र सेन वाला, इसमें और डिवीजन हो गया और एक और बन गया साधारण ब्राह्मो समाज। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है, राजा राम मोहन राय जी क्योंकि समाज में जो एविल था उसको दूर करना चाहते थे, उन्होंने क्या किया, लॉर्ड विलियम बेंटिक से एक कानून बना लिया, बनवा लिया कि आप एबोलिश करवा दीजिए सती को इन 1829, ठीक है। ये बहुत आपको लगेगा कि यार ये तो नॉर्मल बात है, सोचो पूरा गांव सती प्रथा को फॉलो कर रहा है, मेल का डोमिनेशन है, वो इवन वुमेन भी सपोर्ट करती रहती थी इसकी, क्योंकि सती सिस्टम अगर फॉलो नहीं करती वुमेन तो उनका बहुत हालत खराब किया जाता था, मतलब बहुत उनको प्रेशर दिया जाता था, मतलब उनकी जो कंडीशन है वो बहुत खराब कर दी जाती थी उसके हस्बैंड के मरने के बाद, तो इसलिए इवन वुमेन भी सपोर्ट करती थी। उसके बाद हुआ क्या, वुमेन भी सपोर्ट करती थी तो समझ लो पूरा गांव मना कर रहा है और ये अकेले खड़े हैं कि नहीं हटना चाहिए हटना चाहिए, तो समझ लो कितना हिम्मत रहा होगा उनका, ये अभी समझ पाना बहुत टफ है लेकिन हम लोग समझ सकते हैं। चलिए तो इसको रिवाइज कर लेते हैं एक बारी, क्या क्या रिवाइज करना है एक बारी मैं बताता हूँ क्या क्या इन्होंने किया। आत्मीय सभा सबसे पहले क्या किया, एक तुहफत उल मुवाहिदीन जिसको बोलते हैं गिफ्ट टू मोनोथोइस्ट, ये ट्रीटी था पर्सियन में जिसको पब्लिश किया इन्होंने 1803 में, याद रख मैं वो साल डेट शायद भूल गया था। हाँ तुहफत उल मुवाहिदीन इसको बोलते हैं गिफ्ट टू मोनोथोइस्ट, कि यानी एक जो अलग अलग लोग भगवान मानते थे ना इसको इन इनको इससे प्रॉब्लम थी कि नहीं यार एक ही आइडिया एक ही पावर है उसको माने, ये डायरेक्टली ऐसा नहीं बोलते थे कि भगवान को मानो नहीं, और इवन ये आइडल वर्शिप होता था कि आप किसी मूर्ति की पूजा करते, नहीं ये बोलते थे सब जगह है एक ही है पावर हर जगह है, तो मूर्ति पूजा पे सीधा सीधा मना करते थे।
और मूर्ति पूजा से क्या होता है कि जैसे मूर्ति पूजा है तो वहां पे कास्ट सिस्टम बहुत एग्रेसिव हो जाएगी कि इस कास्ट को आने दो, इस कास्ट को नहीं आने दो, ये नहीं चाहते थे ऐसे। उसके बाद आत्मीय सभा बनाया, वेदांता सोसाइटी बनाए। उसके बाद एक पब्लिश किया 1820 में क्रिश्चियन के बारे में, प्रेसेप्ट ऑफ जीसस द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस। उसके बाद डेविड हेरे के साथ मिलकर इन्होंने हिंदू कॉलेज बनवाया बंगाल में, संवाद कौमुदी लिखी बंगाली में। उसके बाद मीरात उल अकबर लिखा पर्शियन लैंग्वेज में। उन्होंने फिर ब्राह्मो सभा बनाया, ब्राह्मो सभा बाद में ब्राह्मो समाज बना, टूटा, अकबर टू ने इनको राजा बोला। और उसके बाद विलियम किंग विलियम फोर के यहाँ गए कि बोले कि सर सर उनका थोड़ा पेंशन बढ़ा दो। उसके बाद वहीं पे उनका डेथ हो गया और ब्राह्मो समाज चलाने लगे फिर देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर के बाद देवेंद्रनाथ टैगोर ने एक प्रिंसिपल लॉन्च किया जिसका नाम था केशव चंद सेन। केशव चंद सेन अपना आइडिया फेंकने लगे तो बंटवारा किया गया। बंटवारा किया गया तो केशव चंद सेन ने अपना नया नाम रखिया ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया। और देवेंद्रनाथ टैगोर को लगा ये तो पुराना है तो इसलिए सबसे पहला है तो इसलिए आदि ब्राह्मो समाज बोल दिया। फिर जो केशव चंद सेन वाले में था एक बारी और बंटवारा हो गया, नया ग्रुप आ गया साधारण ब्राह्मो समाज। ये है सती सिस्टम को हटवाने में मदद की, एक्ट बनवाया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं प्रार्थना समाज, बेदा समाज और आर्य समाज। ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इवन यंग बंगाल मूवमेंट भी कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर। थैंक यू। अगर आपको ज्वाइन करना है, आपके फ्रेंड को ज्वाइन करना है तो उनको ये नंबर बोल दीजिए। इवन हमारा ऑब्जेक्टिव लूसेंट ऑब्जेक्टिव का भी कोर्स चल रहा है। ठीक है, थैंक यू।